Hello everyone, and once again I would like to welcome you all in Balaji Online Classes. I'm Samra Osmani and today I'm here to illustrate 6th chapter of Maths of class 3rd, and the name of the chapter is Geometry. In your previous classes, aapne class 2nd mein, class 1st mein bhi geometry padha hai about shapes. Humne kitne tarah ki aapne plane shapes padhe hain, solid shapes padhe hain. But there's a minor difference plane shapes and solid shapes mein. Jo plane shapes hote hain, hum unhe 2D shape bhi keh sakte hain. और जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं वो 3D शेप्स होते हैं. दैट मीन्स जो हमारे प्लेन शेप होते हैं, जो वो शेप होते हैं जिन्हें हम कॉपीज में ड्रॉ करते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो या आप रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ठीक, आप ये ड्रॉ करते हो. बट जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं वो शेप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका स्क्वायर, स्क्वायर को हम सॉलिड शेप में कैसे देखते हैं? क्यूब, क्यूब को हम टच कर सकते हैं. हम सॉलिड शेप यानी हम उसको उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ठीक, सो कितने तरह की शेप्स हमको पढ़ने हैं, लेट्स देख लेते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. ओके, सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, वो शेप्स जो 2D होते हैं, यानी जिन्हें हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर, जैसे आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं. हमने कौन कौन से शेप यहाँ पे ड्रॉ किए हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल. सो बेसिकली जो हमारा स्क्वायर होता है, कितने साइड्स हैं स्क्वायर में? There are four sides in square. 1, 2, 3, 4. And all four sides are equal. Square में जितने भी four sides होते हैं वो equal होते हैं. Similarly with rectangle, rectangle में भी four sides होते हैं. 1, 2, 3 and 4. But difference क्या होता है कि rectangle में opposite sides equal होते हैं. Square में सारे sides आपके, all four sides are equal. In rectangle, opposite sides are equal. Rectangle में ये side equal होता है, ये side और ये side equal होता है. ओके, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं और 1 फेस होता है. बट ट्राइंगल, या तो ट्राइंगल इक्वल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल ना भी. इट डिपेंड्स कि आपका ट्राइंगल किस शेप में बना है. लास्ट वन इज सर्कल. सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, कोई भी साइड्स नहीं होते. इट हैज़ ओनली 1 फेस. सर्कल में सिर्फ 1 फेस होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स मैंने आपको जैसे बताया था कि वो शेप जो 3D शेप्स होते हैं या जिनको हम छू सकते हैं, जैसे आपका अगर आप लूडो खेलो तो उसका डायस होता है ना, उसे हम सॉलिड शेप बोलते हैं, या जो आपके क्यूब्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक बॉक्स है मेरे पास. ये जो बॉक्स है हमारा, ये सॉलिड शेप है, यानी ये क्यूब, क्यूब की शेप में आपको दिख रहा है, स्क्वायर की शेप में दिख रहा है आपको. सो ये क्या है? सॉलिड शेप का एक एग्जाम्पल है. आर नेक्स्ट सॉलिड शेप इज स्फीयर. स्फीयर देखिए कैसे होता है, एकदम राउंड इस शेप में होता है, राउंड शेप में लाइक अ बॉल. और इसमें कोई भी साइड्स, कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ एक फेस होता है. ये किस शेप में आपको दिख रहा है? सर्कल के शेप में होता है. ठीक, स्फीयर हम आप इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे बॉल है आपके पास या वाटरमेलन होता है, ये भी स्फीयर का एक एग्जाम्पल होता है. द नेक्स्ट इज ट्राइंगल. हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो कौन सा है? ट्राइंगल. जैसे कि क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास बुक. हमारी जो बुक है ये आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रही है. क्यों रेक्टेंगल शेप में है? क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है. ठीक, ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है. दैट मीन्स ये ऑपोजिट साइड इसमें इक्वल है. सो ये क्यूबॉइड है हमारा. क्यूबॉइड जो है वो इस सॉलिड शेप क्यूबॉइड का ये होता है. द नेक्स्ट वन इज कोन. आप ये बर्थडे कैप देख सकते हैं या और भी आपके पास बहुत सारे, अगर ट्राइंगल शेप में कुछ भी हो, बट बेस्ट एग्जाम्पल इसका बर्थडे कैप होता है. आप इसको देख सकते हो, ये कोन का सॉलिड एग्जाम्पल है हमारे पास. आप आइसक्रीम कोन्स भी देख सकते हो, आइसक्रीम कोन्स भी इसी शेप में होते हैं. सो ये सॉलिड शेप है. ओके, कोन जो है हमारा सॉलिड शेप में आता है. नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. अब सिलेंडर में आप कैंडल्स देख सकते हो, या कोई बॉक्स है, या ट्री ट्रंक होता है हमारा, उसमें जो है ये शेप जब होता है, यानी आपके फ्लैट सरफेस 2 होते हैं और एक सरफेस कर्व होता है, हम उसे सिलेंडर बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रिज्म. प्रिज्म के लिए आप कॉर्नर रैक ले सकते हो या टेंट यूज़ कर सकते हो. बेसिकली जो इसमें कितने फ्लैट सरफेस होते हैं? 5 फ्लैट सरफेस होते हैं.
सो हम टेंट भी ले सकते हैं, आप अगर कभी पिकनिक पे जाओ तो टेंट एंड ऑल आप लगाते हो ना, सो वो प्रिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल होता है और प्रिज्म भी हमारे सॉलिड शेप का पार्ट होता है। सो नाउ कम टू पेज नंबर 81, जल्दी से देख लेते हैं। सॉलिड शेप में सबसे पहला है हमारे पास क्यूब। क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। वर्टिक्स कितने होते हैं आपके? 8 वर्टिक्स होते हैं। यानी अगर आप क्यूब्स को ऐसे राउंड करो और आप जो है उसको काउंट करो तो आपको कितने वर्टिक्स मिलेंगे? 8 वर्टिक्स मिलेंगे। देन कितने फ्लैट सरफेस होते हैं? टोटल 6। जैसे आपने लूडो का डाइस देखा होगा, उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो फ्लैट सरफेस कितने हुए हमारे पास क्यूब में? 6। कर्व सरफेस एक भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज हमारा स्फेयर। स्फेयर में हमारे कितने एज? कोई भी एज नहीं होता है क्योंकि कोई साइड नहीं है, वर्टिक्स भी नहीं होते, फ्लैट सरफेस भी नहीं होता, सिर्फ एक कर्व सरफेस होता है। स्क्वायर की ही तरह क्यूबॉइड में भी हमारे जो एज होते हैं वो 12 होते हैं, वर्टिक्स जो है वो हमारा 8 होता है, फ्लैट सरफेस भी जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। फ्लैट सरफेस 6 कैसे होते हैं आप काउंट कर सकते हो थ्रू योर बुक। 1 2 3 4 5 and 6। सो टोटल हमारे पास जो क्यूबॉइड में फ्लैट सरफेस होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में आपके एज कितने होते हैं? 1 2। वर्टिक्स नहीं होता है, फ्लैट सरफेस इसमें 2 होते हैं और कर्व सरफेस 1 होता है। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट क्या है? कोन है। कोन में एज 1 होता है, वर्टिक्स भी 1 होता है, फ्लैट सरफेस कितने होते हैं हमारे? 1 होते हैं और कर्व सरफेस भी हमारा 1 होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में टोटल कितने एज होते हैं? 9 एज होते हैं, वर्टिक्स इसमें 6 होते हैं और फ्लैट सरफेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फ्लैट सरफेस होते हैं और कर्व सरफेस इसमें 0 होता है। ओके, जैसे आप कोन का एक और एग्जांपल ले सकते हो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी जो शेप होता है अम्ब्रेला का, अगर जैसे छोटे बच्चों के जो अम्ब्रेला होता है वो बेसिकली कोन के शेप में ही आपको देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री। सिमेट्री का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जब भी हम किसी पेज को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक प्लेन पेपर है जिसपे एक बटरफ्लाई बनाई हुई है, ठीक है। अगर इस प्लेन पेपर को हम हाफ शेप में, इक्वल शेप में फोल्ड कर दें और वापस ओपन करें, तो जितना पोर्शन बटरफ्लाई का इस पेपर पे आएगा उतना ही पोर्शन बटरफ्लाई का इस पेपर पे आएगा। सो जो बीच में जहाँ से हमने उसको फोल्ड किया है उस पोर्शन को या उस लाइन को हम सिमेट्री लाइन बोलते हैं, ठीक। जहाँ से हम किसी भी शेप को इक्वली डिवाइड कर पाएँ या इस तरह डिवाइड कर पाएँ कि जो हाफ शेप हमको राइट साइड दिख रहा है पेपर का, उसी इक्वल पोर्शन में हमको लेफ्ट साइड भी दिखाई दे, तो जो बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है इसे हम सिमेट्री लाइन बोलते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज सिमेट्री विद शेप्स। सिमेट्री विद शेप्स, यहाँ मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल जो है आपके शेप्स कुछ बनाए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 3 तरह का स्क्वायर देख रहे हैं ना। अब मैंने क्या किया है, स्क्वायर्स को इक्वल सिमेट्री लाइन के थ्रू इक्वल डिवाइड किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर को सिमेट्री लाइन के थ्रू इक्वल डिवाइड किया है, यहाँ पे भी स्क्वायर को मैंने सिमेट्री लाइन के थ्रू इक्वल डिवाइड किया है और यहाँ पे भी इक्वल लाइन के थ्रू डिवाइड किया है, ठीक। सिमेट्री लाइंस हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होती हैं। एंड नाउ कम टू पेज नंबर 86। आप यहाँ पे बहुत सारे शेप्स देख सकते हैं। इन सारे शेप्स को हम किस चीज़ से ये शेप डिवाइड हुए हैं? इक्वल सिमेट्री लाइंस के थ्रू डिवाइड हुए हैं। और आप इसी तरह से सिमेट्री लाइन के थ्रू शेप्स को डिफरेंट टाइप से जो है हाफ हाफ या इक्वल पोजिशन में डिवाइड कर सकते हो। बट बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक पेपर लेना, पेपर पे कोई भी ड्राइंग सेंटर में बनाना, देन पेपर को बीच से फोल्ड कर लेना, देन पेपर को आप ओपन करेंगे तो आपके हाफ पोजिशन, जितनी ड्राइंग इस पेपर पे होगी उतनी ही ड्राइंग इस पेपर पे होगी। सो जो बीच में लाइन आपको दिखाई देगी वो जो लाइन है वो हमारी सिमेट्री लाइन होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइलिंग। टाइलिंग मीन्स टू कवर अ सर्फेस विद इक्वल साइज टाइल्स और शेप्स। टाइलिंग इज क्रिएटेड व्हेन
These tiles or shapes are used for covering a plain surface without any gaps and overlaps. आप सबके घर में ज्यादातर टाइल्स लगे होंगे. सो बेसिकली टाइल्स का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी प्लेन सर्फेस को कवर करते हैं इक्वल साइज के टाइल्स या शेप में. जब हम जैसे आपके घर में अगर टाइल्स लगे होंगे तो वो इक्वल साइज लगे होंगे, चाहे वो स्क्वायर के शेप में लगे हों, चाहे वो रेक्टेंगल वो ट्राइंगल के शेप में लगे हों, लेकिन इक्वल. तो बेसिकली टाइल्स और जो शेप्स होता है टाइल का, हम उसे टाइलिंग को क्यों यूज करते हैं, अपने प्लेन सर्फेस को कवर करने के लिए विदाउट एनी गैप और ओवरलैप, बिना किसी गैप के. जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे बना तो एक रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल में टोटल कितने स्क्वायर हमको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक, तो रेक्टेंगल कितने स्मॉल साइज स्क्वायर में डिवाइड हो सकता है, 8 स्मॉल साइज स्क्वायर में. तो इसी तरह जब भी हमारे घर में आप टाइल्स पे टाइल्स देखिएगा तो सारे टाइल्स जो है वो इक्वल शेप में लगे होते हैं विदाउट एनी गैप, चाहे वो आपके स्क्वायर के शेप में हो, चाहे वो आपके ट्राइंगल के शेप में हो. आप किसी भी पाथ पे देखिए, बहुत सारे बाहर जब आप जाते हैं पार्क एंड ऑल में या किसी भी उसमें, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ट्राइंगल के शेप में भी जो है टाइल्स लगे होते हैं और इक्वल ट्राइंगल शेप में वो कट होते हैं. ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हम टाइलिंग किसे कहते हैं, जब भी कोई भी प्लेन सर्फेस जो होता है वो टाइल्स के थ्रू यानी इक्वल साइज के ब्लॉक्स के थ्रू, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे ट्राइंगल हो, उसके थ्रू उसका प्लेन सर्फेस कवर किया जाता है विदाउट एनी गैप. ओके, द लास्ट टॉपिक इज टेनग्राम. टेनग्राम किसे हम बोलते हैं, टेनग्राम इज एन एशियन चाइनीज पजल. इट हैज 7 ज्योमेट्रिकल पीसेस कॉल्ड टेन्स. टेनग्राम बेसिकली क्या है, ये बहुत ही पुराना एक चाइनीज पजल होता था जिसमें 7 ज्योमेट्रिकल पीसेस होते थे और हम उन्हें क्या बोलते हैं, टेन. 7 पीसेस में कितने पीसेस आपके 5 पीसेस जो है वो ट्राइंगल्स होते थे, जैसे आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एंड 1 आपका स्क्वायर होता था, ये आपका स्क्वायर है, एंड 1 आपका पैरेललोग्राम होता था जो आपका ये है. सो 10 ग्राम जो है वो ओल्ड चाइनीज पजल था जिसमें जो है आपके 7 ज्योमेट्रिकल पीसेस होते थे जिन्हें हम 10 बोलते थे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So now this is it. I have explained every topic of this chapter and I hope you understand this. If you have any problem, any query, any confusion, you can clear your doubts with me in the live class, and all the notes related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDF from there and do your work properly and very carefully. Till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.